Hi guys, I welcome you in my YouTube channel English Pathshala. Guys, मैं आज आपको कक्षा 3 विषय हिंदी महामार्च की वर्कशीट जो है सॉल्व करवा रहा हूँ. इससे पहले जो है मैंने कक्षा तीसरी के सारे विषयों की वर्कशीट का सॉल्यूशन कर दिया है, हल कर दिया है. आप जो है देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. हमारे इस चैनल पर क्लास 3 से लगा के क्लास 8 तक की, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के सारे विषयों की वर्कशीट का हल हो गया है. आप उन्हें देख सकते हैं. बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों यह वर्कशीट का हल. आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, होली पाठ के आधार पर बतलाइए कि किस घटना के बाद होली जलना आरंभ हुई. तो ये आपको लिखा हुआ है, हिरण्य ने है ना करण की बहन को सर है ना वरदान ना हिरण करण की बहन को वरदान था कि आग में भस्म नहीं हो सकती, इसलिए है ना इसलिए होली ने प्रहलाद को गोर में लेकर आग में बैठ गई, परंतु होली जल गई. प्रहलाद सच्चाई के राह एवं धार्मिक प्रगति के होने के कारण नहीं जला बच गया तथा तभी होली का दहन आरंभ हुआ. ये यहाँ पर गोद लिखा हुआ है दोस्तों. बढ़ते हैं आगे. 5 पालतू जानवरों के नाम लिखते हुए बतलाइए कि हमारे किस प्रकार काम आते हैं, है ना. तो जैसे गाय हमें दूध देती है, जो खेत में जो है हल में काम आते हैं, कुत्ता जो कि घर की रखवाली करता है ना दोस्तों. इसके अलावा और भी कोई 5 जानवर आप लिख सकते हैं, है ना. जैसे आप घोड़ा लिख दें, घोड़ा जो है सवारी करने के काम आता है, है ना. घोड़ा सवारी करने के काम आता है. ऐसे इस तरह से और आप लिख दें, है ना. जैसे आप जो है भैंस भी लिख सकते हैं, भैंस जो है दूध देने का कार्य करती है इस तरह से. फिर आप घर के किन किन कामों में मदद करते हैं और कैसे, वही 5 लिखिए. तो खाना बनाने में किस तरह मदद करते हैं, सब्जी काट कर, है ना. सफाई करने में झाड़ू लगा कर, है ना. इस तरह जो जो भी आप जो है कार्य करते हैं वे मन से आप लिख दें. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहीं, 5 पक्षियों के नाम लिखिए और उनके रंग भी लिखिए. जैसे कौवा काला होता है ना, कौवा काला होता है. जैसे कोयल कैसी होती है, कोयल भी काली होती है दोस्तों, है ना. कोयल कैसी होती है, काली. ये कोयल लिखा हुआ है. तोता हरा होता है, कबूतर सफ़ेद होता है. इस तरह और भी आप जो है लिख दें, या तो आप बगुला लिख दें. बगुला भी मतलब जो होता है सफ़ेद होता है, बगुला वो भी सफ़ेद होता है दोस्तों. बढ़ते हैं आगे. पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधों से हमें निम्न चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, फल, सब्जियां. इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक कविता से छोटी सी प्याओ में जल का महत्व बताया गया है, आसपास जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जानकर एकत्र के स्रोत लिखे. तो हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें पानी नदी से प्राप्त होता है, तालाब से प्राप्त होता है, झरनों से प्राप्त होता है, और हैंडपम्प से प्राप्त होता है, और नहर से पानी प्राप्त हमें होता है. इनके इन जगहों से हमें जो है पानी प्राप्त होता है. बढ़ते हैं आगे. निर्देश अनुसार पहली बार ये जिसे खेती में उपयोग होने वाला यंत्र, तो क्या है आपका हल.
रंग बदलने वाला जीव कौन सा होता है? रंग बदलने वाला जीव तो वो होता है गिरगिट, है ना। इस तरह से पूरी पहेली का आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है दोस्तों, आप पढ़ लें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।